सारे बंदे लैंडिंग करने वाले थे फिलहाल, उतरते ही तुरंत ही अंदर आता हूँ। देखते देखते शॉटगन मिलता है, इतने में बंदे को डैमेज तो दिया बट बंदा आगे निकल जाता है। फिलहाल भाई साहब क्या ही बचाओ, तीन बंदे खत्म हो चुके थे, आखिरी बंदा अभी भी जिंदा था। हाल फिलहाल में बंदा आसपास आता है और यहां में नेट कुक करके जब तक मेरे ऊपर डालता, इससे पहले देखो। अच्छी बात यह था कि बंदे के पास अच्छा खासा गन था, इससे मेरे को आगे का फाइट करने के लिए कंप्लीट लूट मिल जाता है। और देखो बंदे ने अच्छा खासा डैमेज दिया, तुरंत ही मैं पीछे फॉल बैक करता हूं। कहीं ना कहीं एक साथ बंदे घुसते तो यहां पे दिक्कत हो सकता था। सामने स्मोक करके बंदों को कंफ्यूज करता हूं और पीछे फॉल बैक करता हूं। अगर मैं राइट में रोटेट करके ये वाले बंदे को मार देता हूँ तो आगे का फाइट थोड़ा सा आसान हो सकता है। दैट्स व्हाई मैं राइट से रोटेट करता हूँ और देखो रोजक में अभी एक कंप्लीट स्क्वाड जिंदा था, जिनके साथ फाइट लेना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। देखो डैमेज देती, बंदा कवर में चला जाता है। फिलहाल एक और बंदा दिखता है, जस्ट इतना होते लेफ्ट से एक बंदा रोटेट करके आ गया था।
फिलहाल उनका एक बंदा नॉक हो चुका था, डेफिनेटली उनके ऊपर प्रेशर बना था, दैट्स व्हाई मैं राइट में नीड को करता हूँ और आगे डाल देता हूँ। हो ना हो वो अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए स्मोक करके आगे ही जाता इससे पहले। बंदा सामने से फ्री फायर कर रहा था और अच्छा खेल रहा था, दैट्स व्हाई मैं पहले तो यहाँ पे लोकेशन चेंज करता हूँ और देखो बंदा जब तक प्रोन करता ऑलमोस्ट इसको पहले से ही डैमेज दे चुका था और देखते ही देखते इसको फिनिश करता हूँ। यहां से निकल के आगे जा रहा था, सामने से पुश स्टेप आता है, नीड कुक किया, पहले तो मैं इसके फ्री फायर को कंप्लीट होने दिया, एट देन मैं सीधे घुसता हूं और इसको फिनिश कर दी। हक के साथ बोलेंगे फाइनली हमने रोजक के ऊपर झंडा गाड़ दिया है। बहुत दिनों के बाद रोजक में झंडा गाड़ने के बाद यहां से मैं आगे बढ़ता हूं, सामने ड्रॉप दिख रहा था, आसपास आते ही सामने एक कंप्लीट स्कोर दिखता है। जस्ट मैं पीक करता, बंदों को मेरा लोकेशन पहले से पता, चार के चार बंदे मेरे ऊपर आने वाले थे इससे पहले मैं यहां से निकलने की कोशिश करता और देखो पीछे चार बंदे पड़ जाते। तो ऐसा टाइम पे अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो बचना ऑलमोस्ट मुश्किल सा हो जाता है, दैट्स व्हाई मैं बाइक यूज करता हूं ऐसे सिचुएशन के लिए। फिलहाल आगे आता हूं, बंदे स्मोक कर चुके थे, इससे मेरे को थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, दैट्स व्हाई मैं इजीली लेफ्ट से रोटेट मारता हूं और देखो वन वी फोर सिचुएशन में फ्लैंक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का रोल होता है। यहाँ पे मैंने बैक टू बैक फ्लैंक मारा जिससे कि बंदे कंफ्यूज होते हैं और इजी सा स्क्वाड वाइप हो जाता है। फिलहाल सामने ड्रॉप दिखता है, आगे आता हूं, बहुत बार ऐसे ही होता है पीछे बंदे रहते हैं तो दैट्स व्हाई मैं फ्री फायर करता हूं जब तक लूट कर पीछे शॉट्स आता है। देखो सही बताओ तो बंदा मेरे को दिख ही नहीं रहा था, तुरंत ही मैं आगे आता हूं ऊपर आगे, मैं बंदे को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं बंदा मार रहा है तो कहां से मार रहा है। फिलहाल बंदे को डैमेज देती, बंदा कवर में चला जाता है। पहले तो मेरे को लगता है ये एक बंदा है और मैंने डैमेज भी दे चुका है तो तुरंत ही मैं इसके ऊपर रश करने के लिए। फिलहाल देखो क्या होता है, आगे बढ़ते भाई गलत ही सीन हो जाता है,
जहाँ पे मैंने एक बंदा सोच रहा था एक कंप्लीट स्क्वाड निकलता है, जब तक आगे जाता पीछे से गंदे तरीके से पड़ता है। सामने बंदा दिखता है, नेट कुक करता हूं, जब तक मैं आगे डालता लेफ्ट से बंदा आता है। बहुत ही ज़्यादा